सदर यूपी के अमरोहा जिले में एक ही परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ स्थानीय कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। मामले में दोषी करार दिए गए प्रेमी जोड़े शबनम और सलीम को फांसी पर लटकाने के लिए सीनियर जेल सुप्रिंटेंडेंट को अधिकृत किया गया है। दोनों फिलहाल जिला जेल में बंद है। दरअसल अप्रैल 2008 में शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता समेत सात लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद 15 जुलाई 2010 को जिला जज ने इस मामले में दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। बता दें आपको, जिसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद जिला और सत्र न्यायालय ने दोनों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया। बता दें आपको, महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था और इसके बाद दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी और हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा।